Hello and salam everyone. I am Sheba and welcome back to my channel The Infinite Food. I hope everyone is safe at home. आज हम बहुत ही मज़ेदार सी और लजीज से दही वाले दम आलू बनाएंगे, वो भी घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से। ये देखने में जितना लजीज है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। आपको इसे खा के लगेगा ही नहीं कि आप आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए बनाते हैं इसको। दही वाले आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है मैंने। यहाँ मैंने ये 500 ग्राम्स पोटैटोज़ लिए हैं, ये बेबी पोटैटोज़ हैं। अगर आपके पास बड़े वाले पोटैटोज़ हैं तो आप उसको कट करके 1:4 भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो को पहले ही बॉयल कर लें और फिर ये स्टेप करें, मैंने इनको बॉयल नहीं किया है। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, लगभग 1/2 टीस्पून ईच। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे, 2-3 मिनट इसे और सौते करेंगे। जब तक ये अच्छा से गोल्डन कलर इस पर आ जाए। अब मैं इसे 3-4 मिनट के लिए ढक रही हूँ क्योंकि हमारे पोटैटो बॉयल नहीं हैं। अगर आपने बॉयल पोटैटोज लिए हैं तो आपके पोटैटो जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे, तो आपको ढककर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये पोटैटोज़ अच्छे से हो गए हैं, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। ये लगभग 50% पक चुके हैं, इन्हें अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून ऑयल इसमें और ऐड किया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने 3-4 ड्राई रेड चिलीज ली हैं, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 पीस हमने दालचीनी का लिया है और कुछ ब्लैक पेपर्स ली हैं। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले रेड चिली ऐड कर देते हैं, बाकी के मसाले भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसे अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। देखिए मसाले हमारे भुन गए हैं, अब हम इसमें अनियन ऐड करते हैं। 1 अनियन लिया है मैंने, जिसको रफली चॉप कर लिया है, वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। 3 से 4 मिनट अनियन को भूनेंगे हम। देखिए अनियन भी अब हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब हमने इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 से 4 मिनट हमें और भूनना है इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ में। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाला ऐड कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर एंड 1 टीस्पून से थोड़ा कम हमने इसमें नमक लिया है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे मसाले हमारे इसमें चले जाएंगे। इसको भी हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अभी मसाले में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनना है इसे 3 से 4 मिनट। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुनने लगा है। अब ये दो तीन मिनट के लिए ढक देते हैं मसाले को ताकि और अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ हमने 200 ग्राम दही ली है, 1 टीस्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन बेसिकली बाइंडिंग एजेंट है, जब हम दही को मसाले में ऐड करेंगे तो ये फटेगी नहीं। अगर हम बेसन नहीं ऐड करेंगे तो फट सकती है, तो इसलिए मैंने इसमें बेसन ऐड कर लिया है। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मसाला भी खोल कर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं मसाले में से कितना अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया है, मसाला बिल्कुल रेडी है। अभी थोड़ा सा इसे 2-3 मिनट और भून लेते हैं। अब हम इसमें ये दही ऐड कर देंगे जिसमें हमने बेसन मिक्स किया था। अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है थ्रू आउट। ये इस कप में, दही वाले कप में मैंने पानी डाल के इसमें पानी ऐड कर लिया है। ये 1 टेबल स्पून के करीब पानी मैंने ऐड किया है इसमें।
दो तीन मिनट हम इसे और भून लेंगे, फिर हम इसमें पटेटो ऐड कर देंगे। देखिए दो तीन मिनट हो गई हैं, जो हमने पटेटो को सौते करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। बाउल में अच्छा खासा ऑयल भी है, वो भी हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखा आपने, कुछ भी नहीं है, कितना इजी है इसे बनाना। ये हमने मिक्स कर दिया है। आधा गिलास इसमें पानी डालेंगे, आधे गिलास के करीब पानी ऐड किया है मैंने इसमें। आप चाहें तो पानी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ग्रेवी आपको जैसी चाहिए अपने हिसाब से, बट आधा गिलास पानी इसमें इस टाइम परफेक्ट है। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है ताकि मसाला सारे पोटैटोस पे कोट हो जाए। अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए ढककर दम पर लगा देंगे ताकि हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएं और मसाले का फ्लेवर भी आलू में आ जाए। अगर आपके पोटैटो बॉयल हैं तो आपको 2-3 मिनट ढककर पकाने की ज़रूरत है। हमारे पोटैटो बॉयल नहीं थे इसलिए मैंने इसे 10 मिनट के लिए रखा है। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, इसे अब हम खोल कर देख लेते हैं। 3-4 मैंने इसमें ग्रीन चिलीज डाल दी हैं स्लिट करके, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं चाहें तो। इसे चला देते हैं। अब मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है और आलू भी हमारे गल गए हैं इसमें अच्छी तरह से। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं, उससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। ऐसे हाथ से क्रश करके इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे हम थोड़ी सी, और 2 मिनट के लिए इसे फिर से ढक देंगे। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए दही वाले दम आलू बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे फिर हम इसे सर्व करते हैं। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया से हमारे दही वाले आलू बनकर तैयार हो गए हैं। इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे हम कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली से। क्रीम भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, क्रीम ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, नहीं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार है, तो आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेहमानों के लिए भी बनाना चाहते हैं तो मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, मेहमान भी खुश और आप भी खुश। तो चलिए इसे बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर से हाज़िर होती हूँ एक नई सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।